क्या नाम आपका? आफ्ताब आलम अंसारी, कहाँ के निवासी? हाँ, हैदराबाद इंदिरा नगर। तो क्या मामला है आपका? हमारा मामला जी है कि हमारे पिताजी का नाम था जुबेर अहमद। जी वे तीन भाई थे, जी जिसमें दो भाई जो वाला मकान जो है जो हमने बनाया जो है बहन के नाम बेच गए थे। हमारे बहन के पैर में ट्यूमर था, जो हमारे कोई भाई ने दवा इलाज नहीं कराया, इसका दवा इलाज हमने कराया था कानपुर में। शमशुर कसाई आज भी जिंदा है, कोई भाई झाके तक नहीं गया। और शमशेर मास्टर की बिटिया गई थी, इनसे पूछ लिया जाए, फिर भी कोई भाई झाँकने नहीं गया। इसके बदले में जो जमीन हमको दी गई थी, ये मकान हमने बनवाया है, सारे मिस्त्री सारे लेबर सब गवाह भी देंगे। अच्छा, और इसके बाद में जो है ये जो पुराना मकान है, हमारे पिताजी जब जिस समय पे गुजरने वाले थे, तो मोहल्ले के आदमी इकट्ठा हुए, तो पिताजी कह के गए कि इसमें जो है सातवा हिस्सा गुड़िया का भी लगा देना, और गुड़िया का जो है आप लोग देखभाल करना। उसके बाद में जो है जब गुड़िया की कॉलोनी आई, तो कोई भाई इनको बनाने नहीं देते थे। जब जो है 16 नंबर पुलिस नूरालमे ने बुलाया था, 16 नंबर पुलिस जब आए तो सबको उठा कर ले गई आसिमन थाने में। सुरानामा नूर आलम और सब लोग मिलकर किया। गुड़िया की कॉलोनी बन जाने के बाद जो शेष जमीन बचेगी, इसमें हम सब भाई लोग बांट लेंगे। बाकी जो प्लाट में जो पड़ा है, इसमें नूर आलम ने मोहरा फोड़ के कब्जा कर लिया। हमारा दीवानी में मुकदमा चल रहा है, और नूर आलम जो है वो धमकी देता है कि हम तुमको जो है अगर मुकदमा वापस नहीं किया, ज़्यादा उछलो कूदोगे, हम तुमको गोली मरवा देंगे। अच्छा, मतलब आपके कितने भाई थे? तो 6 भाई जी 6 भाई थे, जो आपके पिताजी की जो जमीन थी, तो उस पे 6 भाई का बंटवारा हो गया है? जी हाँ, कैसा बंटवारा, मतलब? ये चौकी में जो है ये पवन पाठक जी थे, मैं सबको बुलाया तो कहा कि 3 भाई यहाँ ले लेंगे, 3 भाई वहाँ बांट लेंगे। अच्छा, तो आपका मामला क्या, मतलब जो आपका जो वहाँ की जमीन जो बता रहे हैं उस जगह की, जी जी तो वहाँ पे आपका हिस्सा आपको नहीं दिया नहीं गया? नहीं हिस्सा हमको नहीं दिया गया। हाँ, तो आपने क्या किया उसके आगे फिर? उसके आगे जब हमको हिस्सा नहीं दिया गया, हमने डीएम एस डीएम कप्तान को सबके को अप्लीकेशन दिया। हमारी जब कौन सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरी में जब हम परेशान हो गए, तो हमने न्यायालय का सहारा लिया था। हमने न्यायालय में मुकदमा चला, दीवानी दीवाने का मुकदमा चल रहा है। जी। और दीवानी मुकदमा चलने के बाद नूर आलम ने जो है इसमें मोहरा भी फोड़ लिया, जिसको अच्छा, आज जो है हमने कल हैदराबाद नगर पंचायत चौकी में अप्लीकेशन दिया था, जिसमें जो है दरोगा जी ने इनको 9 बजे कल बुलाया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, आप आफ्ताब आलम की कौन है? हम बहन। हाँ, तो क्या मामला क्या चल रहा है? आफ्ताब आलम का जो मामला चल रहा है, कुछ बंटवारे का लेके वो मामला? मामला ये चल रहा है, जो ये मेरा छोटा भाई है, जी ये जो बोल रहा है तो सच बोल रहा है, इसको हिस्सा मिलना चाहिए। जी और जो वो जो हमारे भाई नूर आलम है, उनको हिस्सा मिलकर उनको मकान बन चुका है। अच्छा, उन्होंने जो है मेरे बाप के प्लाट पर बेईमानी कर रहे अच्छा, हैं, तो बाप की जमीन पे इनको, मतलब जमीन हिस्सा नहीं मिला इनको? इनको नहीं मिला है। अच्छा, और हम जो है मेरी मेरी शादी नहीं भई है, हम कुंवारी हैं, और जो है हमारे पुराने मकान पे जो कॉलोनी आई थी, तो इन लोगों ने हमको कॉलोनी बनने नहीं दे रहे थे। तो थाने के एसओ साहब ने कहा कि आप तो जो है कॉलोनी जो है, जब हमने थाना पुलिस किया, तो एसओ साहब ने बोले कि जो है कॉलोनी जब इसकी बन जाए, जितनी पुराने मकान पर जो जमीन बचेगी, तो उसमें हम 6 भाइयों का हम बंटवारा कर देंगे, और वो जो प्लाट है उसमें मेरे भाई जो अलग थे उनको कोई हक नहीं है। अच्छा, मेरा मेरे भाई इनको लोगों का हक, जिसमें मुकदमा चल रहा है, जिसमें मुकदमा चल रहा है, तो उस पे जो अवैध कब्जा जो किया है, हाँ तो उसमें हक इनका है? है, आफ्ताब आलम का हक है। अच्छा, और जो जो भाई लोग ले चुके हैं, इन्होंने जो है हमको सब मतलब मेरा इलाज करवाई है, और जब मेरे माँ बाप खत्म हो चुके थे, कहते टाइम पर कि मेरी एक लड़की, सब लोग देखभाल करना, मेरी लड़की को भी देना। अच्छा, तो आपका इलाज वगैरह कराते हैं भाई? नहीं कराते। अच्छा, कोई कराते तो कराते रहे, हम उनके दरवाजे पर तक नहीं जाते, अगर वही सड़क पर जाते तो भगाते हैं। अच्छा, तो दीवानी के मुकदमा होने के चलने के बाद भी जो है ना, उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है? हाँ, तो ये जो कौन दरवाजा अवैध कब्जा कर रहे हैं? नूर आलम अंसारी, ये कौन है आपके भाई? अच्छा, ये जो नूर आलम ने कब्जा किया, दरवाजा फोड़ा, तो ये दरवाजा जो बंद होना चाहिए।